गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज की अपने आगे नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर हैं। परसेंटेज में हमने प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए उसके और भी टाइप्स को देखेंगे। तो परसेंटेज में जैसे यहाँ पर ये एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हम किसी संख्या को बढ़ा रहे हैं 20% से और फिर घटा रहे हैं 10% से, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक नंबर है फर्स्ट, हम अब जैसे अगर आपको 100 कोई नंबर दिया हुआ है तो हमने इसको 10% से बढ़ाया तो ये 110 हो गया, और फिर इसी बढ़े हुए नंबर को अगर हमें कोई कह दे कि हमें 10% से घटाना है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ये समझाना चाह रहा है कि जो नंबर है पहले हम उसको 10% बढ़ा रहे हैं और फिर बढ़े हुए नंबर को 10% घटा रहे हैं, तो ये सक्सेसिव जो चेंजेस हो रही हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें कह रहा है कि एक नंबर है उसको 20% से बढ़ाया जा रहा है एंड देन इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो उसमें नेट कितना का चेंजेस हुआ, बढ़ा या घटा या कितने परसेंटेज की हुई, वो हमें यहाँ पे देखनी है। अब इसके लिए सबसे फर्स्ट मेथड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो आप समझ सकते हैं, अगर जैसे आपको ये 20% दे रखा है तो 20% को सबसे पहले अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/5, ठीक है, और जो सेकंड परसेंटेज दे रखा है वो है 10%, तो इसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। अब इस फ्रैक्शनल वैल्यू को हमें क्या करना है, हमें करना है ये देखिए, ये कह रहा है इंक्रीज्ड और ये वैल्यू कह रहा है डिक्रीज्ड, तो यहाँ पर आप जो ये नीचे डिनोमिनेटर है इसको आप ओरिजिनल वैल्यू लेंगे 5, इंक्रीज्ड यानी 5 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, 5+1 6। अब ये वैल्यू यहाँ पर है 10 और इसकी डिक्रीज्ड वैल्यू लिखनी है तो 10 में से 1 आप माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये 54, ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर आया मल्टीप्लाई करके, इट मीन्स ये जो था वो ओरिजिनल नंबर और ये चेंजेस करने के बाद नया नंबर। तो अब आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर 50 था और चेंजेस करने के बाद नया नंबर क्या है, 54, तो ये 4 वैल्यू बढ़ गया है, इट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो इंक्रीज्ड होगा। तो अब आपको इस इंक्रीज्ड वैल्यू को परसेंटेज में निकालना है, अगर ये फ्रैक्शन में निकालना होता तो आप इसको लिखते 4/50, लेकिन यही आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप इसको लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना से बढ़ गया, 4 से, और इस 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 50 से डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ से 50 × 100 यानी 4 × 8% 8% का इंक्रीज आपको इस क्वेश्चन में हो रहा है। इट मीन्स अगर हम किसी नंबर को 20% से बढ़ाएं और फिर हम उसको 10% से घटाएं तो हमारा जो यहाँ पर नेट होगा इंक्रीज, और वो इंक्रीज होगा 8% का, तो वो आप इस मेथड से यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो है वो आप ये देखेंगे कि जो नेट चेंज होता है, नेट चेंज परसेंटेज का, वो आप लिखते हैं x + y + x × y/100, ठीक है, तो यहाँ से x की जगह लिखेंगे आप 20, y की जगह लिखेंगे आप 10, लेकिन ये लिखेंगे माइनस, x 20 से बढ़ रहा है y 10 से घट रहा है, ठीक है ना, 20% इंक्रीज 10% डिक्रीज, ये हो जाएगा 20 × −10। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 20 में से 10 गया 10, ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 × 1 = 2, तो 10 में से 2 गया 8, यानी यहाँ पे आपको नेट चेंज क्या मिल रहा है, 8% का, और जब ये वैल्यू प्लस आ रही है इट मीन्स इंक्रीज हो रही है, और जब ये वैल्यू माइनस आएगी इट मीन्स ये डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट ये निकल जाएगा, और अगर आप इस तरीके से टर्म्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और इसके डिनोमिनेटर को ओरिजिनल मान लें और उसी में जो न्यूमिनेटर है प्लस माइनस करके न्यू वाले वैल्यूज़ को लिख दें, तो यहाँ से आपको इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
तो ये जो मेथड है, ये मेथड, इस मेथड से बहुत ही आसानी से आप हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहां पर ये क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन अगेन by 20%. If the last increased price be rupees 33 the original price was अगला क्वेश्चन। अब इस अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है वो आपको ट्विस्ट कर दिया है। क्या किया है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए कह रहा है कि कोई आर्टिकल है, किसी वस्तु का मूल्य जो है उसको पहले 10% से बढ़ाया जा रहा है और फिर 20% से भी बढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है देन अगेन बाय 20%। इसका मतलब है कि पहले जो बढ़ाया जा रहा है 10%, तो बाद वाला भी 20% बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो यानी दोनों बढ़ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द लास्ट इंक्रीज प्राइस भी ₹33, अगर जो आखिरी में वैल्यू बढ़ाया गया था तो जो बढ़ के जो मूल्य उसका हो गया था वो है 33। तो आपको बताना है कि जो वास्तविक में वो पहले उसका मूल्य था वो कितना था। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे इंक्रीज प्राइस दिखा है 33 और उसके बाद ओरिजिनल जो वैल्यू है वो सारे के सारे 33 से कम है। ये देखिए 25, 26, 27, 30, 33 से कम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसकी नेट चेंज निकालिए। नेट चेंज निकालिए, आपको दिया हुआ है 10% बढ़ रहा है और फिर 20% बढ़ रहा है, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। यहां से आपको परसेंटेज में क्या मिलेगा, ये 20 + 10 = 30 और ये जीरोस कैंसिल आउट होके 2, यानी नेट चेंज जो है 32% इंक्रीज। जाहिर सी बात है जब दो आपके सक्सेसिव वैल्यूज इंक्रीज हो रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज ही होगी। यहाँ पर हमारा इंक्रीज वैल्यू 32% है, तो जो वैल्यू इसकी पहले थी, सपोज अगर कोई नंबर 100 था तो अब वो 132 हो चुका है। तो ये जो इंक्रीज वैल्यू है आपको समझना है कि 100 + 32 यानी पहले जो नंबर था वो तो था ही, उसमें अब 32% इंक्रीज हो गया, वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है उसकी 33। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यानी उस नंबर का 1% हो जाएगा 33/132। तो 100% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे अगर आप इसको कैंसिल आउट करें तो 11 3 जा और ये 11 12, फिर ये 3 4 जा और 4 से ये 25 times, तो यानी ये पूरा कैंसिल आउट होकर आपको क्या दे दिया, 25 rupees। इट मीन्स कि जो वैल्यू थी वो ओरिजिनल वैल्यू थी 25, उसको 32% बढ़ाया गया नेट इंक्रीज, तो वो हो गया 33। तो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट समझना है कि क्वेश्चन हमें क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है,
हमसे कहा गया था कि इफ द लास्ट इंक्रीज्ड प्राइस बी, जो लास्ट इंक्रीज्ड प्राइस है वो है 33, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो नेट इंक्रीज 32% है उसको आप कंसिडर करेंगे, 132% को, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें क्या सोच लेते हैं कि जो ये लास्ट इंक्रीज 20% है ना, तो वो उसको समझ लेते हैं कि वो 20% को हमें उसको कंसिडर करना है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ये सक्सेसिव इंक्रीज है, पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर जो बढ़े हुए नंबर हैं उसका 20% बढ़ाया गया है, तो आपको वो पूरा लेना है। इट मीन्स शुरू में जो नंबर था उसका 32% आप बढ़ा के लेंगे और उसी को आप कंपेयर करेंगे 33 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी जो है ये लास्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, एंड देन अगेन बाय 20%, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज्ड नंबर should the increased number be reduced so as to get back the original number? यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी नंबर को हम सक्सेसिवली जो इंक्रीज कर रहे हैं वो 20% और 20% से कर रहे हैं, ठीक है। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस्ड सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। तो बढ़े हुए संख्या को कितने प्रतिशत से हम घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आप नेट इंक्रीज निकालेंगे, नेट इंक्रीज है 20% एंड देन बाय 20%। तो अगर हम 20 का इंक्रीज यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो ये हो गया 44%, यानी हमारी जो नेट इंक्रीज है वो हो रही है 44%। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 100 है तो 44% बढ़ेगा, तो जब 100 को 44% बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 144। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि इस बढ़े हुए नंबर को आप कितने परसेंट से घटाएंगे कि वापस वो 100 हो जाए। तो यानी आपको 144 को क्या लाना है, 100, तो इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 44, यानी आप परसेंटेज डिक्रीज जो बताएंगे, परसेंटेज डिक्रीज वो बताएंगे, डिक्रीज करने वाली वैल्यू और जो जिस वैल्यू को हम डिक्रीज कर रहे हैं जिसके कंपैरिजन में, ठीक है। और क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ से इसको देखें तो ये 4 के टेबल में 11 टाइम्स में जाएगा, और ये 4 3 जो 12,
24 आ जाएगा, 6 4 जा 24, ठीक है। यहाँ से आप 4 की टेबल में 4 9 जा और ये 25, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको आ गया मल्टीप्लाई करके 25 × 11 275, ठीक है। और अब आप इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं 9 सिर्फ यहाँ पे एक ये है, देखिए तो 9 3 जा 27। तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 होता है, 270 कितना हो गया, 13 2 9 और उसमें 5 रिमाइंडर तो +5, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाएगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे। हमें यहाँ पूछा गया था कि जो इंक्रीज्ड वैल्यू है उसको हम कितने परसेंट डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज्ड वैल्यू को, ठीक है ना, क्योंकि जो ओरिजिनल वैल्यू था वो तो बढ़ के 144 हो ही गया, अब हमें उसको वापस घटा के 100 लाना है। इट मीन्स हम 144 को कितना उसकी परसेंटेज डिक्रीज करें, यानी कंपेरिजन किससे हो रहा है, 144 से, ठीक है। तो हम परसेंटेज डिक्रीज लिखेंगे 44/144 × 100 जो कि हमें देगा 35/9%, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बनाने के साथ साथ हमें क्या ज़रूरी है कंपटीशन में फाइंड आउट सॉल्व करने के लिए, कि हम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में रखें, हम अपने कॉमन सेंस को बढ़ाएं। और वो कैसे बढ़ेगा, जब हम पढ़े हुए क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को हम जानेंगे, वीडियोस देखेंगे या हम जहाँ भी जिससे भी पढ़ रहे हैं हम उसको देखेंगे समझेंगे, तब वो चीज़ हमारे माइंड में स्टोर रहती है। तो एक बार पढ़ने और समझने के बाद ज़रूरत है हमें उसे कि हम उसको अच्छे से 2 बार 3 बार खुद से प्रैक्टिस करें, तब हम उस कंपटीशन में उसको क्वालिफाई करने के लिए उस व्यू से हमारी पढ़ाई उस ट्रैक पे चलती है, ठीक है। तो फिर हम अगले क्लास में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।